क्या कारण है कि अभी तक गाजीपुर सीट पे बीजेपी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है? देखिए, अभी ये गाजीपुर, बलिया, फूलपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अभी प्रदेश की कई ऐसी सीटें बाकी हैं जहां उम्मीदवार अभी घोषित होने हैं। पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी योजना होती है, कई प्रकार के समीकरण को देखना पड़ता है। जो वर्ग छूटे रहते हैं उनको भी अवसर देने की बात भी ध्यान में रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, आप सब लोग वाकिफ हैं, इस बात से अवगत हैं। इस बार तो फिर भी बहुत पहले उम्मीदवारों के नाम आए हैं, नहीं तो अक्सर हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि जब नामांकन का दौर शुरू होता है तब हमारे यहाँ उम्मीदवार घोषित होते रहे हैं। इस बार तो चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीख भी घोषित नहीं की है, उससे पहले हमारे बहुत से उम्मीदवार आ गए। उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा उम्मीदवार आ गए, तो बाकी नामों का भी ऐलान जल्द से जल्द होगा, जल्द से जल्द उनके नाम भी घोषित होंगे। अनिल जी, अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश हमारे साथ होते तो पीएम का चेहरा होता, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री से ही रिटायर कर देगी। नहीं, अब ये बात तो ये पहले उनको कहनी चाहिए, जब वो नीतीश जी के साथ घूम रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, जब कभी हम लोगों ने देखा है कि उस समय जब बैठकें उन लोगों की हुआ करती थी तो समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर अक्सर होल्डिंग्स और फ्लैग्स लग जाते थे कि अखिलेश यादव आने वाले दिन में प्रधानमंत्री होंगे। तो अब इन सब बातों का देखिए कोई अर्थ नहीं है। नीतीश जी बहुत वरिष्ठ, बहुत अनुभवी और पुराने देश के सम्मानित नेता हैं। अभी अखिलेश यादव जी को बहुत सीखना होगा, तब जाकर नीतीश कुमार के अनुभव के आस पास वो पहुँच जाएंगे। तो नीतीश जी ने बिहार के विकास को ध्यान में रखा, और सबसे बड़ी बात है जो जनभावना है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ी हुई है, देश का गरीब, किसान, व्यापारी, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हर वर्ग आज मोदी जी के साथ चलना चाहता है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करना चाहता है, तो ऐसे सब लोग भाजपा के साथ आ रहे हैं। अनिल जी, आपके सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान है जब से वो मंत्री बने हैं कि आप पीला गमछा पहन के जाइए, थाना कोतवाली में आपको डरने की जरूरत नहीं। नहीं, ओम प्रकाश जी से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अब हमारे वो दल के हिस्सा हैं, सरकार के भी अंग बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो कुछ भी कहने से पहले उनको सोचना चाहिए और अपनी पद का गरिमा रखनी चाहिए, उसकी मर्यादा रखनी चाहिए, और कोई भी हल्की बात उनको नहीं कहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और आगे से जरूर इन बातों का वो संज्ञान लेंगे। अब वो हमारे साथी सम्मानित कैबिनेट मंत्री हैं, तो हल्की बात ना करें, अपने मर्यादा का ख्याल रखें। अनिल जी, एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सभी पार्टियों को तोड़कर टिकट दे रही है। विधानसभा का चुनाव 2022 का आप सब लोगों को याद होगा, उस समय वो कौन सी भाषा बोलते थे जब उनके यहाँ लोग जा रहे थे? हम लोग फिर कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके मिशन को जो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, जिन लोगों को भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जिनके मन में संकल्प और सपना हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का विचार जो लोग रखते हैं, ऐसे सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। अनिल जी, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा क्या कहेंगे? उनका व्यक्तिगत फैसला है, उस पर हम लोगों को टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उनके अपने कारण रहे होंगे जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, उस पर कुछ कहना मैं समझता हूँ उचित।